अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झज्जर में रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 6 के निवासियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उनका कहना है हुड्डा विभाग द्वारा समस्त प्रदेश में इन हरासमेंट के नाम पर सरकार लूट मचा रही है, जिसके विरोध में सेक्टर 6 झज्जर के निवासी भारी संख्या में रविवार 6/5/2018 को हिसार में होने वाली सरकार जगाओ रैली में भाग लेने पहुंचे। वहीं रैली में प्रस्थान से पूर्व सैकड़ों की संख्या में निवासी सीनियर सिटीजन क्लब में इकट्ठे हुए व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन हरासमेंट के खिलाफ निवासियों में भारी रोष देखने को मिला। वहीं रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी सेक्टर 6 झज्जर के प्रधान श्री रमेश देसवाल ने कहा कि राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार कोई भी निवासी इन हरासमेंट के पैसे नहीं भरेगा व सरकार की इस लूट के खिलाफ हम कोई भी बलिदान देने को तैयार है। महासचिव प्रोफेसर आनंद कादयान ने कहा कि यदि सरकार आज होने वाली रैली के बाद भी अगर इन हरासमेंट वापस नहीं लेती है तो हम चंडीगढ़ में सरकार भगाओ रैली व महापड़ाव करेंगे। आज 6 मई 2018 को हिसार में इन हरासमेंट भगाओ अभी आशियाना बचाओ रैली का किया जा रहा है। सरकार को जगाने का काम करेंगे आज हम। अगर सरकार मानती है, जाग जाती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार को भगाने का काम करेंगे हम आगे। सरकार ने मतलब जो सेक्टरवासी हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन हरासमेंट का पैसा 2 बार 3 बार 4 बार तक मतलब डाल रखी है। ऐसे हरियाणा में 42 सेक्टर हैं जिनमें बहुत से लगभग 1 लाख आदमी ऐसे हैं जो इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। इसको सरकार को जगाने का हम काम कर रहे हैं। अगर सरकार जाग जाती है, हमारी बात मांगों को मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन को हम और आगे बढ़ाएंगे और मतलब सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इस बीच सरकार से कोई बातचीत हुई है? सरकार से बातचीत हुई थी लेकिन सरकार केवल और केवल मीठी गोली देने का काम कर रही है। जो मतलब कहती कुछ है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती। उन्होंने कहा 10% कम कर देंगे। हमारी मांगे थी कि भी ब्याज को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, इन्वेस्टमेंट का जो भी जितना लंबा पुराना है सारा ख़त्म किया जाए। सेक्टर 30 साल पहले आता है उसका सरकार मतलब इन्वेस्टमेंट सेम टाइम पे ना देके 20 साल बाद देती है ताकि वो ब्याज बढ़ के मतलब सारा का सारा मतलब सेक्टर वासियों के ऊपर आकर भार पड़ता है। इस वजह से कई सेक्टरों में तो बहादुरगढ़ का एक सेक्टर है जिसमें मतलब लगभग एक सेक्टर एक उसके प्लॉट के ऊपर 5 से 5.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। एक आदमी मुश्किल से अपना मकान बनाता है पैसे इकट्ठा करके, उसके ऊपर फिर उसको 5-5, 7-7 लाख रुपए दोबारा इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, तो वो कैसे मतलब अपना काम कर पाएगा, कैसे अपने परिवार को आगे मतलब बढ़ा पाएगा। तो आज रैली में हरियाणा भर से सेक्टरवासी आएंगे? हरियाणा भर से सर बहुत से हजारों की संख्या में मतलब पहुँच रहे हैं सेक्टर में उधर हिसार में, और आगे भी हमारा ये सिस्टम रहेगा। अगर मतलब सरकार नहीं मानती है तो आगे सरकार को मतलब ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब सरकार को भगाने का काम करेंगे हम। ये रैली जी हमने सरकार को पहले भी सूचित किया था, लिखित में भी लेटर सीएम के पास हमने लाखों की संख्या में पत्र डाले हैं भी हमारी इंस्ट्रूमेंट आ रही है, ये बिल्कुल गलत आ रही है। पूरे भारत में कहीं भी नहीं दी जाती, सिर्फ हरियाणा में दी जाती है। और इसके विरोध में हम पूरे हरियाणा के जो सेक्टरवासी हैं वो सभी इसमें आज रैली में भाग ले रहे हैं। और सरकार ने अगर हमारी बात को मान लिया, कल भी मीठी गोली देने की बात की, जो सरकार के नुमाइंदे हैं 10-5 वो बैठ के मीटिंग करके आ गए, वो उसका हम घोर विरोध करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। लेकिन भविष्य में आज रैली के बाद आज तो सिर्फ इतना है कि सरकार जगाओ रैली अगर मांग लेती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम सरकार भगाओ रैली का आयोजन करेंगे जो शायद पंचकुला और चंडीगढ़ में ही होगा। और उसमें जो है हम तन मन धन से सरकार का घोर विरोध करेंगे और भविष्य में जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती सरकार का हम विरोध करते रहेंगे। तो रणनीति बनाई जाएगी? हाँ, आज रणनीति बनाई जाएगी और सरकार को दिखा दिया जाएगा कि हमारी हम सब एक हैं। और जो सरकार जिनसे बात करी है वे कुछ मुट्ठी भर 2-4 ही लोग हैं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अब भी हम उनके साथ सरकार बात करी है वो नहीं है। आज जो रैली है मलिक साहब जो प्रधान बनाए गए हैं उनके नेतृत्व में जो बात हो रही है उसी को सेक्टरवासी मानेंगे। और सभी RWA जितने भी हरियाणा के हैं वे सभी उनके साथ हैं। पहले भी जिन मीटिंग हुई थी सभी सदस्य जो हरियाणा के थे सभी ने उसमें भाग लिया था। और आज भी है पूरे हरियाणा से जो है सेक्टरवासी RWA के रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य जो है और नुमाइंदे जितने भी सेक्टरवासी सभी वहाँ हिसार में पहुँचेंगे। झज्जर से अखिल चौधरी के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।